वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफ द मैथ स्पेशल सीरीज। मैथ स्पेशल सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। चाहे आप एसएससी सीजल की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीपीओ की, सीएचएसएल की या एमटीएस की, ये प्रीवियस ईयर सीरीज है जो 7300 प्लस बुक्स से मैं करा रहा हूँ। ये है डिस्काउंट चैप्टर। हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं डिस्काउंट, जिसका ये पार्ट वन है। डिस्काउंट टॉपिक से मैं टोटल 160 क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाला हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10। तो जो लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं है, तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जहाँ पे आप कमेंट्स करते हैं वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक को क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ताकि समटाइम्स यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं दे पाता है तो आपको वहाँ पे वीडियो की लिंक प्रोवाइड कर दी जाती है जैसे ही वीडियो अपलोड होती है। ठीक है, देखिए आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा कि मैं आपको मंडे से अपने सेकेंड चैनल, जिस चैनल का नाम है एसएससी एग्जाम क्रैक, इस चैनल पे आपको इंग्लिश सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। वैसे स्टार्ट हो चुका था, कुछ टाइम के लिए स्टॉप करना पड़ा, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही थी इसकी वजह से। तो फिर से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एसएससी एग्जाम क्रैक चैनल, मेरा यूट्यूब चैनल सेकंड दूसरा चैनल है। आप क्या कीजिएगा, अपने मोबाइल में यूट्यूब पे जाकर के सर्च कीजिए एसएससी एग्जाम्स क्रैक, आपको ये लोगो मिल जाएगा। यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन होगा, प्रेस करके, यहाँ पे बेल आइकन है, प्रेस करके यहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको इंग्लिश कंप्लीट सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको ग्रामर भी पढ़ाऊंगा, वोकैब भी एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको कंप्लीट यहां पे, और ये इसके लिए कोई कॉस्ट नहीं देनी है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप यहां से फॉलो कर सकते हैं। मंडे से आपको मिलने वाला है। अभी मैंने आपको नाउन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 दिया हूं, मंडे को आपको पार्ट 4 इस तरह से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और मेरे चैनल लर्न विद स्टडी चैनल पे आपको, ठीक है, सुबह के टाइम में आपको एक सीरीज चल रही है जिसमें आपको टारगेट 1000 क्वेश्चन की सीरीज है, जो आपको NTPC, UPSI, BSI, SSC, CGL 2019-20 की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, ये 65 डेज के अंदर ये कंप्लीट हो रहा है। और ये भी क्या है, वीडियो सॉल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। PDF की कॉस्ट इस वीडियो के लास्ट में बता दी जाएगी। आप वहां से PDF अगर चाहते हैं 1000 क्वेश्चन की PDF, तो आपको मिल जाएगी। अदरवाइज आपको वीडियो सॉल्यूशन आपको पर डे मिल रही है, तो आप मॉर्निंग के टाइम में आप मेरे इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लोग NTPC के स्पेशली तैयारी करें और UPSI की, तो उनके लिए ये सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, 1000 क्वेश्चन की सीरीज। ठीक है, चलिए अब देखिए नंबर से डिस्काउंट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि 7300 प्लस बुक्स में ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। नंबर सिस्टम 413 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कराया हूँ 34 वीडियो में। परसेंटेज टॉपिक कंप्लीट हो चुका है 314 क्वेश्चन 25 वीडियो में। उसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और ट्रिगोनोमेट्री, और ये 7300 प्लस मैथ सीरीज का ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी एंड हो चुके हैं। इसलिए हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट में इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 10, टोटल क्वेश्चन करने वाले हैं 160। तो चलिए अब देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। देखिए सारे क्वेश्चन 7300 प्लस सीरीज में ना एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको एग्जाम में नहीं पूछा हुआ है। सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल और एमटीएस एग्जाम के पेपर में जो आए हुए क्वेश्चन है एक्चुअल, वो कराया जा रहा है इसमें। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कहा गया है, अप्लाइड ए बिल फॉर इतना, द डिफरेंस बिटवीन ए डिस्काउंट ऑफ 40% एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट 36% एंड 4% ईच। देखिए क्या कहा गया है कि इतना की राशि पर दो तरह के बट्टे, जिनमें एक बट्टा 40% है और दूसरा बट्टा क्रमवार 36% और 4% है, तो दोनों तरह के बट्टे का अंतर फाइंड आउट करो और वो अंतर कितना होगा। देखिए रुपए में, यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा, एक डिस्काउंट दिया गया है जिसको बोला गया है कि 40% डिस्काउंट है। दूसरा डिस्काउंट दिया गया है, वो लगातार सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है 36% और 4%। तो आप इसको ऐड करके कभी भी 40% मत लिख दीजिएगा, डिस्काउंट गलत हो जाएगा। तो आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए, वो आपको पता होना चाहिए क्या होता है। मान लो ए परसेंट डिस्काउंट है, दूसरे के केस में बी परसेंट डिस्काउंट है, तो ये क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए बी बाई 100, ये क्या होता है, इतना परसेंट डिस्काउंट। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, इसको मैं, ये ए है और ये बी है, इसका कंप्लीट मैं निकालूं डिस्काउंट परसेंट, तो क्या होगा, 36 प्लस 4 माइनस 36 इंटू 4 अपॉन क्या 100। अगर मैं ये करूं तो ये क्या हो जाएगा, 40 प्लस
40 माइनस 36 इंटू 4 अपॉन 100, ये क्या आया ओवरऑल परसेंटेज। अब दोनों के परसेंटेज का डिफरेंस मैं निकालूं, डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो देखो डिफरेंस क्या होगा, 40% इसका है, 40% माइनस ये वाला, 40% माइनस 36 इंटू 4 बाई 100 ये परसेंट। अब जैसे ही देखो ये माइनस करूंगा तो ये माइनस और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, और जैसे ही माइनस माइनस ये होगा यानी डिफरेंस कितने का आया, सिर्फ 36 इंटू 4 अपॉन 100, ये क्या परसेंटेज का डिस्टेंस, ये इतना परसेंट का क्या आया डिस्काउंट में परसेंट, दोनों के बीच में अंतर आया। अगर मैं 36 इंटू 4 करता हूँ, 6 चौके 24, 4 3 12 अपॉन 100, इतना परसेंट का दोनों में डिफरेंस है, तो 1.44%। अब हमारे पास ये तो परसेंटेज में डिफरेंस है, हमें कहा गया है कि एक्चुअल रुपए में कितने का डिफरेंस है, तो अब खुद सोचो रुपया है कितना, इतना लिख लेता हूँ यहाँ पे, 1 2 3 4 कितने जीरो है, 3 2 5 पाँच जीरो है, यानी 1,00,000 है, इसका कितना परसेंट, 1.44 परसेंटेज का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाई 100। अब इस डेसिमल को हटा रहा हूँ, डेसिमल को हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई, 2 0 2 4 0 4 0 से 4 0 कैंसिल, हमारा आंसर क्या आ गया, 1440 का अंतर आया डिस्काउंट। कौन सा आंसर मैच कर गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कहा गया है, ए ट्रेडमैन मार्क्स इज गुड 10% अबव द कॉस्ट प्राइस, इफ अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 10% अलाउ हिज कस्टमर 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, हाउ मच प्रॉफिट और लॉस डज ही मेक। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम सिंपल कर सकते हैं, लेट सपोज कॉस्ट प्राइस कितना था 100, तो मार्क प्राइस क्या है 10% एबव द कॉस्ट प्राइस, 100 का 10% यानी कि 10 यूनिट, यानी 100 यूनिट ये था तो 10% कितना होगा, 100 का 10 यूनिट, तो मार्क प्राइस कितना हो गया 110 यूनिट। अब क्या कहा जा रहा है कि कोई कस्टमर को जो देना है उसको 10% डिस्काउंट देना है मार्क प्राइस पे, तो मार्क प्राइस का 10%, 110 का 10% कितना होता है, 110 का 10% 11 यूनिट का क्या हो गया डिस्काउंट, तो डिस्काउंट 11 यूनिट का हुआ तो कितना में बेचा गया, सेलिंग प्राइस यानी इत बेचने वाला रेट कितना में, अगर कोई रिटेलर है कोई ट्रेडमैन है वो बेचा कितने में, 99 रुपये में। तो अब खुद सोचो कॉस्ट प्राइस 100 और सेलिंग प्राइस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस्ट प्राइस 100 और सेलिंग प्राइस कितना है 99, बताओ क्या हुआ लॉस, हुआ लॉस कितना हुआ 1 यूनिट का, हमें चाहिए क्या लॉस परसेंट, लॉस डिवाइडेड बाई किस पे लॉस होता है कॉस्ट प्राइस पे, और परसेंटेज में करने के लिए 100, डेट मीन्स 1% का क्या हुआ लॉस। कौन सा आंसर मैच करेगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहा गया, ए ट्रेडमैन मार्क्स इज गुड एट 20% एबव द कॉस्ट प्राइस, ही अलाउ द कस्टमर ए डिस्काउंट ऑफ 8%, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। सेम क्वेश्चन है, ओनली फॉर डाटा चेंज कर दिया गया है और दोनों डिफरेंट डिफरेंट ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं हम, लेट सपोज कॉस्ट प्राइस अगर 100 यूनिट है तो मार्क प्राइस क्या है 20% ज्यादा, यानी 100 का 20% 20% ज्यादा का मतलब 120। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या कह रहा है, फिर भी 8% डिस्काउंट देना है मार्क प्राइस पे, तो 120 का 8% 8/100 कैंसिल, ये 12 × 8 12 × 7 = 84 12 × 8 = 96 अपॉन 10 यानी क्या हो गया 9.6 का डिस्काउंट, 9.6 का डिस्काउंट दिया गया तो बेचा गया सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 120 माइनस 9.6 ये जीरो मान लो तो ये 4 हो गया और ये कितना हो गया जीरो 110.4 हो गया तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 110.4 यहां तक आपको पता चल गया। अब खुद सोचिए हमें पूछा गया कि फाइंड आउट प्रॉफिट हिज प्रॉफिट परसेंट बताओ कॉस्ट प्राइस कितना है सीपी है 100 और सेलिंग प्राइस कितना है 104.4 कितने का प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट क्या होता है एसपी माइनस सीपी यानी 10.4 इन दोनों का डिफरेंस प्रॉफिट होता है ना एसपी माइनस सीपी चाहे कितना बढ़ा था वो प्राइस प्रॉफिट परसेंट चाहिए तो प्रॉफिट परसेंट 10.4 का प्रॉफिट किस पे प्रॉफिट और लॉस होता है सीपी पे परसेंटेज में करने के लिए 100 से यानी कितना हो गया 10.4% का प्रॉफिट हुआ। कौन सा आंसर मैच कर गया ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा जा रहा है ए डिस्काउंट ऑफ इतना इज गिवन टू द कस्टमर ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल
ए मैन बोट आर्टिकल इतना, द मार्क प्राइज ऑफ एन आर्टिकल इज, देखो खुद सोचो कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया गया, 2 / 1/2%। इसको मैं पहले फ्रैक्शन में लिखूं, 2 × 2 = 4 = 8 = 5 / 2% परसेंट मतलब क्या होता है, डिवाइड बाई 100, तो 5/2 × 100 यानी कितना हो गया 20, यानी फ्रैक्शन वैल्यू 1/40। देखो मैंने यहां से यहां तक निकाल दिया कि अगर ये होता तो 1/40 क्या हो गया इसका फ्रैक्शन वैल्यू। अब खुद सोचो ध्यान से देखो ये क्या होता है मार्क प्राइस, और उस पर क्या मिला एक यूनिट का डिस्काउंट। देखो मार्क प्राइस अगर 40 है तो डिस्काउंट एक यूनिट का मिला, यानी बेचने वाला प्राइस क्या होगा 39 यूनिट, और ये जो बेच रहा है और खरीदने वाले के लिए ये क्या होगा कॉस्ट प्राइस, क्योंकि देखो क्या कहा गया है, कस्टमर ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ए मैन बाई इतना आर्टिकल, यानी जो बेच रहा है उससे कोई आदमी खरीद रहा है, यानी खुद सोचो ये 39 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 39 रुपए के बराबर है, क्वेश्चन में दिया गया है, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस तो होगा जो बेच रहा है, जैसे मैं दुकानदार हूं तो मैं आपको बेच रहा हूं और आप मेरे से खरीद रहे हो, तो मैंने 39 रुपए में बोला कि ये बेचूंगा, आप खरीदोगे 39 रुपए में, तो ये 39 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया 39 यूनिट, यानी एक कितना गुना हो गया, एक गुना, तो हमसे पूछा गया मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, मार्क प्राइस कितना, एक यूनिट से मल्टीप्लाई कर लो यानी 40 रुपए, तो आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये था रेशियो मेथड, हमने रेशियो मेथड को अप्लाई किया। एक और तरीका है कर सकते हो किस तरह से, देखो बेसिक वैसे भी जा सकते हो ऐसे क्वेश्चन को, सिंपल सा चीज देखो, 2 / 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया 1/40, यानी 40 यूनिट था, एक यूनिट का डिस्काउंट दिया, यानी मार्क प्राइज पे पहले 40 यूनिट था, एक यूनिट का डिस्काउंट दिया, यानी कितना हो गया 39, एक यूनिट घट गया 39 आउट ऑफ कितना 40, और ये क्या बन जाता है सेलिंग प्राइस, यानी और जो खरीदने वाले के लिए क्या होगा, ये 39 रुपए में खरीदा, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 39 से 39 कैंसिल यानी 40 रुपए। तो आप आसानी से यहां से भी आप ऑप्शन जा सकते हो, आप एक लाइन के अंदर कर सकते हो। तो बेसिक ऐसा नहीं होता कि बेसिक से बहुत ज्यादा टाइम लगता है, आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, लॉजिक क्लियर है मैथ में, तो आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन को बहुत विद इन सेकेंड ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में कर सकते हो अगर आपके पास नॉलेज है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा गया है, ध्यान से देखेंगे तो ये क्वेश्चन आसान है। देखिए क्या कहा गया, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 900, यानी प्रिंटेड प्राइस का मतलब क्या होता है मार्क प्राइस होता है ना, तो मार्क प्राइस कितना दिया गया 900। अब आगे बढ़ते हैं, द रिटेलर गेट्स ए डिस्काउंट ऑफ 40%। अब खुद सोचो मार्क प्राइस 900 है और रिटेलर है जो क्या कर रहा है डिस्काउंट दे रहा है 40% का, यानी डिस्काउंट दिया 40%, तो बेचा कितने में 60% में, तो ये क्या हो गया सेलिंग प्राइस। तो हम निकाल लें, देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी कितना 540 रुपये बेचने वाला था, लेकिन ही सेल द आर्टिकल 900, लेकिन उसने बेचा कितने में 900 रुपये, तो बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ, रिटेलर को गेन हुआ ना, बेचना था इतने में बेच दिया इतने में, तो रिटेलर को प्रॉफिट कितना हुआ 900 - 540 कितने का प्रॉफिट हुआ 0.6, ये बचा कितना 8, 360 का, 360 का प्रॉफिट हुआ, हमें प्रॉफिट परसेंट में चाहिए, तो 360 का प्रॉफिट किससे प्रॉफिट हुआ 540 पे, इंटू क्या परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 1 0 से 1 0 कैंसिल, देखो 9 4 36 9 6 54, अब देखो 2 2 4 2 3 6 हमारे पास आया कितना 200/3 इन परसेंटेज। तो अब एक तो तरीका क्या है कि आप इसको भाग दे के देख लो तो 66 / 2/3% आएगा, एक तो एक तरीका है, लेकिन दूसरा तरीका क्या, आपने 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू पढ़े हो कैसे, देखो 1/3 होता है 33 / 1/3%, तो 2/3 इसका डबल, तो इधर भी डबल कर लूँ तो कितना हो जाएगा 66 / 2/3%, तो 2/3 का डायरेक्टली वैल्यू आपको, क्योंकि परसेंटेज कंप्लीट करा चुका हूँ तो डायरेक्टली आप आंसर तक पहुँच सकते थे। तो क्वेश्चन के करने के बहुत सारे वे हैं, आप उसको आसानी से कर सकते हो, कॉन्सेप्ट एज वेल एज लॉजिक आपके क्लियर होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा जा रहा है, ए डिस्काउंट ऑफ 15%, देखिए ध्यान से कहा गया, ए डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन एन आर्टिकल एज द सेम एज 20% ऑफ ए सेकेंड आर्टिकल द कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल। देखो डिस्काउंट तो हमेशा मार्क प्राइस दिया गया है, और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की बात किया जा रहा है कि वही जो मार्केट प्राइस था उसी को कॉस्ट प्राइस एज्यूम किया गया। देखो एक वस्तु पर 15% की छूट दिए गए और दूसरे वस्तु पे 20% की छूट के बराबर है, तो दोनों वस्तुओं का
क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। देखो सिंपल सा चीज मान लेते हैं, CP1 उस पर 15% की छूट दी गई, यानी CP1 इंटू 15/100 इज इक्वल टू CP2 इंटू क्या 20% की छूट दी गई, तो 20/100 यही चीज कहा गया ना। और ये दोनों क्या है, बराबर है। बस देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 5 से 5 3 15, 5 4 20, यानी CP1 अपॉन CP2 इज इक्वल टू क्या हो गया 4/3। अब माइंड में ये भी आ रहा होगा कि भाई डिस्काउंट तो हम मार्क प्राइस पे देते हैं, डेफिनेटली मार्क प्राइस पे देते हैं डिस्काउंट, लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर के कहने का सेंस वही है कि MP1 बाई MP2 फाइंड आउट करो, या जिस जो रेट आपने लगाया है उस पे CP1 बाई CP2 फाइंड आउट करो, कहने का सेंस वही है। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आ जाएगा। चलिए, बेटर होता अगर MP1 बाई MP2 मार्क प्राइस का रेशियो पूछ देता तो बेटर होता, लेकिन वो कहा जा रहा है कि जितने में खरीदा होगा उतना का ही मार्क प्राइस होगा, बस सिंपल सा चीज़ है। अब हमारे पास CP1:CP2 का रेशियो क्या हो गया 4:2, 4:3। अब आपके चेक कर लो, अब आपके पास क्या है, बाई ऑप्शन चेक कर लो कि कौन सा है। देखो क्योंकि ये CP1 है, ये CP2 है, देखो ध्यान से, 20 तिया 60 20 दूनी 40, 3:2 रेशियो तो है नहीं। देखो ये 20 से काटूंगा तो 20 दूनी 40 20 2:1 रेशियो है नहीं, ये भी 4:3 नहीं होगा। देखो ऑप्शन डी पे आते हैं, ऑप्शन डी क्या है 80:60, तो चलो 20 से काटूं तो क्या होगा 20 4 80 20 3 60, रेशियो क्या आ गया 4:3, यानी हमारा ऑप्शन डी मैच कर गया। तो करने का तरीका होना चाहिए, आप किसी भी वे से जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा गया है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। कहा गया द मार्केट प्राइस ऑफ एन वॉच वाज इतना, ए मैन बॉट द सेम वॉच इतना, एंड आफ्टर गेटिंग टू डिस्काउंट, फर्स्ट 10% एंड सेकेंड डिस्काउंट रेट। तो मैं इसको दो मेथड से बताऊंगा। देखो मेथड वन, देखो सबसे पहले क्या है, मार्क प्राइस कितना है 720, मार्क प्राइस पे पहला डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है 10% का। अगर 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10 डिस्काउंट, मतलब माइनस, यानी 10 से एक घट करके, यानी 9/10 का डिस्काउंट दिया। दूसरा डिस्काउंट हमें नहीं पता है, तो हमने मान लिया कि X% डिस्काउंट मिला दूसरा, और उसके बाद जो कस्टमर खरीद रहा है वो कितने में खरीद रहा है 550.80 में। अब मैं यहाँ पे समझाना चाहूँगा, देखिए ध्यान से, 10 से 10 कैंसिल, यहाँ से कुछ नहीं आया तो क्या हो गया 100 लगा दिए, डेसिमल को हटाए, 10 से 10 कैंसिल। अब 9 से इसको काटूँ तो देखो 9 से काटूँ 9 6 54 कितना बचा 10 बचा, तो 9 इकाई 9 9 2 18 612 बार में चला गया। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, अब मैं फिर से काटूँ तो 9 से काटूँ तो 9 8 72, 9 से काटूँ तो 9 7 63 होता है, नहीं 9 6 54, ठीक है, और 54 हो गया 9 8 72। अब यहाँ पे चलो मैं फिर से काटता रहा हूँ, 4 से काटूँ 4 2 8 17 4 68, यानी हमारे पास x परसेंट क्या मिला, ऊपर 17 मिला, इधर 2 है और इधर 10 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 20, यानी x परसेंट इतना मिला। यानी कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो मिला, पहले 20 यूनिट मार्क प्राइस था, उस पे बेचने वाला प्राइस 17 है, यानी कितने का डिस्काउंट मिला 3 यूनिट का, किस पे 20 पे, इंटू क्या 100, यानी 5 से क्या हो गया, यानी 15% का उसको ओवरऑल क्या मिला डिस्काउंट। कहने का मतलब यही था, ये खुद सोचो, 17/20 का मतलब है कि 20 यूनिट मार्क प्राइस था, 17 यूनिट में बेचा तो कितने यूनिट का उसको घाटा, कितने यूनिट डिस्काउंट दिया 3 यूनिट का, किस पे 20 पे, इनटू 100 यानी 5, यानी 15 जो सेकेंड डिस्काउंट था उसका 15% था। तो ये तो था एक, मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट मेथड होता, मैं ऐसे ही क्वेश्चन को बनाता हूँ बेसिक मेथड से और आसानी से बन जाता है। अगर आपको नहीं चाहिए, आपको अनदर मेथड चाहिए, तो चलो मेथड 2 भी बता देता हूँ। देखो कैसे बता देता हूँ, सबसे पहले मार्क प्राइस कितना है 720, पहला डिस्काउंट दिया कितना 10%, तो 10% डिस्काउंट दिया, नहीं बेचा कितने में 90/100 में, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, देखो 9 2 18 9 7 63 1 64, यानी कि क्या हुआ, पहला डिस्काउंट देने के बाद इतना में बेचना था। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन कस्टमर जो है वो कितना में लिया, कस्टमर लिया 580.00, बताओ इतना में बेचना था फिर, लेकिन कस्टमर ने इतना, उसने फिर एक और डिस्काउंट दिया है इसके बाद, तो डिस्काउंट दिया है कितना, डिस्काउंट दिया घटा लूँ
550.80 माइनस 648.648 घटाना है, जीरो जीरो कर लो, तो ये 0.80 ये कितना हो गया 2। कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हुआ है, बस ये देख लेना है, बस बाकी तो और सब कुछ ठीक है। ये कितना बचा 2, और ये 4 में से 4 गया 0। मैं क्या कर रहा हूँ, उल्टा कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। कुछ सोचो, देखो यहाँ पे बाई मिस्टेक हो रहा था। देखिए क्या हो रहा है कि पहले 10% डिस्काउंट दिया, यानी बेचा कितने में, इतना में बेचना चाहता था इसने ना, उसके बाद एक और डिस्काउंट दिया, यहाँ पे एक और डिस्काउंट दिया, यही पूछा गया डिस्काउंट परसेंट क्या होगा, तो एक और डिस्काउंट दिया जिसकी वजह से उसको इतना ना मिल करके इतने में ही प्राइस मिला। तो डिस्काउंट परसेंट होता क्या है, डिस्काउंट परसेंट होता है डिस्काउंट अपॉन किस पे दिया जाता है, जोस पे इनटू 100। अब देखो डिस्काउंट यहाँ पे ये एमपी का काम कौन करेगा यहाँ पे, ये क्योंकि एक्चुअल में अब ये रहा, फिर इसके बाद डिस्काउंट दिया। अगर फॉर्मूले की नीड नहीं होती हमें, हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा फॉर्मूले को इग्नोर करना सीखो। अब देखिए यहाँ से 648 में देना था, उसने 650 में दिया, यानी कितना का डिस्काउंट दिया 648 में, 550.80 माइनस कर लो, तो यहाँ पे 0002, ये कितना बचा 7, और ये कितना बच गया 9, यानी हमारा ये आ गया डिस्काउंट कितना का दिया 97.20। किससे, अब इससे, एक्चुअल में इससे, और परसेंटेज में करने के लिए क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई। अब देखो ये डेसिमल हटाऊंगा तो डेसिमल से 100 से 100 कैंसिल, और ये क्या आएगा आपका सेकेंड डिस्काउंट परसेंट क्या होगा। अब देखो ध्यान से, इसको मैं एक बार में अगर कैंसिल करोगे तो यार ये 15 बार में कैंसिल हो जाएगा, 15% आ जाएगा, नहीं तो आप ऐसे भाग कर लेना पड़ेगा आपको। 9720 एक बार में ले जाऊं तो 648 कितना हो गया 4 हो गया, ये कितना बचा 6 2, और ये बचा 3 और 0। अब देखो 5 बार में चला गया 8 5 40, 5 के 20 4 24 और 6 5 30, 2 32, यानी 15% क्या आ गया सेकेंड डिस्काउंट आ गया। तो आप यहां से भी निकाल सकते हो, क्वेश्चन को करने के तरीके आने चाहिए, या तो आप फर्स्ट मेथड यूज कर सकते हो या तो सेकेंड, जिस मेथड से आप कंफर्टेबल फील करते हो आप उसको यूज कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखते हैं। ए शॉपकीपर परचेज्ड ए चेयर एट मार्क प्राइस इतना, कोई शॉपकीपर है उसने 800 रुपये में उसका मार्क प्राइस है, एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, फर्स्ट डिस्काउंट इज 10% एंड सेकेंड डिस्काउंट इज 15%, यानी पहला डिस्काउंट दिया 10% यानी बेचा कितने में 90/100 में, दूसरा डिस्काउंट दिया 15% यानी बेचा कितने में 85/100। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, सक्सेसिव का मतलब क्या होता है कि पहले 10% का डिस्काउंट है 90/100 में बेचा, दूसरी बार फिर 15% का डिस्काउंट है 100 माइनस 15% यानी 85/100, ये बेचने वाला प्राइस है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब मैं कैंसिल किस तरह से करता हूँ, 2 4 8, 2 5 10, 17 5 85। अब हम देखते हैं 17 × 4 = 68 × 9, आगे मल्टीप्लाई कर दूँ 8 9 72, 9 6 54, 54 और 7 61, यानी कितना हो गया 612 रुपये में। ये बेचना चाहता था इसमें, जैसे क्या है कोई शॉपकीपर ने 2 डिस्काउंट देने के बाद ये कस्टमर को दिया, लेकिन ही स्पेंड 28 रुपये ट्रांसपोर्ट, उसने इस पर एक्स्ट्रा और 28 रुपया खर्चा, क्योंकि लाया तो इतना में, लेकिन उसको ट्रांसपोर्ट यानी यातायात में 28 रुपया और लग गया, यानी कितना हो गया 8 2 10 3, और ये यानी उसको पड़ा कितने में 630 रुपये में, और एंड सोल्ड द चेयर 800, और उसने फिर इतना में लाया उसका, जैसे देखो 612 रुपये में तो मिलता, दुकानदार दिया 28 रुपया उसका क्या लग गया जाने आने में, तो 630 में पड़ा और उसने बेचा कितने में उसको 800 में, तो बताओ कहा गया प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट 800 माइनस 630 यानी कितने का प्रॉफिट हुआ 270 का प्रॉफिट हुआ। देखो 800 में से 630 घटा लो कितना हो गया 07, कहीं पे मिस्टेक तो नहीं कर, सॉरी यहां पे मिस्टेक है, 640 होगा, ठीक है, तो 640 होगा, तो 6 हो गया और ये कितना बचा 7, 160 का प्रॉफिट, 160 का प्रॉफिट किससे 640 उसके का लगा था, परसेंटेज में करने के लिए 100 से, 1 0 से 1 0, 16 4 64, 4 से 25%, यानी उसको 25% का क्या हुआ फायदा हुआ। बस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, जैसे जैसे क्वेश्चन कहा जा रहा है वैसे वैसे हमें करना है और क्वेश्चन को आसानी से बना लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहा गया है, ध्यान से देखने वाली बात यह है। ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स एट 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, एंड अलाउड 30% डिस्काउंट फॉर द कैश द नेट लॉस। ये तो सिंपल वही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था और क्वेश्चन नंबर 2 किया था, सेम जस्ट है। देखो कॉस्ट प्राइस मैंने मान लिया 100, तो बताओ कि कितना परसेंट ज़्यादा है मार्क प्राइस, 20% ज़्यादा, 100 का 20% कितना होता है 20, यानी 120 यूनिट, और उस पर 30% का डिस्काउंट, 120 का 30% कितना हो गया 36 हो गया, तो 36 यूनिट का डिस्काउंट दिया तो कितना, अगर 120 में 40 होता तो 80 84 में बेचा होगा, ये सेलिंग प्राइस घटा लिया 120 में से 36, बताओ 100 की चीज़ 84 में बेचा यानी कितना का लॉस हुआ, उसको लॉस हुआ 16 का, लॉस परसेंट निकालना है तो 16 अपॉन किस से, सीपी से, इनटू क्या परसेंटेज में करने के लिए 100, यानी उसको कितना हुआ 16% का लॉस। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, इसको स्टार मार्क्स कर लो, इसमें बहुत सारे लोग समटाइम्स फंस जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा पूछा गया है। देखिए क्या कहा गया, ए रिटेलर बाई 40 पेन्स एट द मार्क प्राइज ऑफ 36 पेन फॉर ए होलसेलर, ठीक है, क्या कहा गया है, ध्यान से समझने वाली बात है क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, अगर ऐसे क्वेश्चन आप नहीं किए होंगे पहले तो आप फंस सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या कहा गया, ए रिटेलर बाई 40 पेन्स एट द मार्क प्राइज ऑफ 36 पेन्स फ्रॉम ए होलसेलर इफ ही सेल दिज पेन्स गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 1% ऑन द मार्क प्राइज द व्हाट इज द प्रॉफिट, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट या जो भी, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया। देखिए ध्यान से, अब मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ ऐसे क्वेश्चन में सिंपल सा चीज़ है, लेट, देखो लेट मार्क प्राइज ऑफ वन पेन, यानी एक पेन का अंकित मूल्य की बात करूँ तो मैं मान लेता हूँ 1 रुपया है, तो खुद सोचो जो 40 पेन जो है उसको 36 के हिसाब से ला रहा है ना, यानी कि सी पी ऑफ 40 पेन इज इक्वल टू कितना रुपये होगा, 36 रुपये होगा। अरे 40 पेन का कॉस्ट जो 40 पेन की जो उसकी खरीदना है उसको 36 रुपये होलसेलर से ला दिया इतना में, ठीक है, लेकिन अब बेच रहा है, अब बेचेगा तो 40 पेनों को बेच रहा है, तो 40 रुपये के हुए ना बेच, एक्चुअल में वो तो 36 रुपये में होलसेलर पे लाया ना, लेकिन वो एक पेन का कॉस्ट मार्क प्राइस इतना है तो 40 पेन का 40 रुपये मार्क प्राइस होगा, लेकिन उस पर क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है 1% का, जब बेचने के टाइम होगा तो 1% डिस्काउंट दे रहा है, यानी 1% का डिस्काउंट का मतलब क्या, बेच रहा है कितने 99% में, 99/100, चलो 10 से 10 कैंसिल, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 37 38 39 अपॉन 10, यानी बेचा कितने में 39.6 रुपये में। अब बताओ उसको घर से लगे थे कितना 36, बेचा कितना 39.6, कितने का फायदा हुआ 3.6 का, ये प्रॉफिट हुआ 3.6 का, प्रॉफिट परसेंट 3.6 का प्रॉफिट किससे, उसके घर से लगे थे 36% में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 10 से हटा लो 0 10 आ गया इधर, कैंसिल ये कैंसिल, यानी क्या हो गया प्रॉफिट परसेंट 10% आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सिंपल था, क्वेश्चन कर जिसको नहीं समझ में होगा अगेन ध्यान से देखिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं अगेन स्लो स्लो पढ़ाता हूँ क्योंकि ये रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो होती है, और रिकॉर्डेड फॉर्म में ये वीडियो होती है तो आपको अगेन आप देख सकते हो दोबारा, ठीक है। अब चलिए आज नेक्स्ट हमारा जो डिस्काउंट का लेक्चर 2 होगा वो कल होगा, वो 7 PM पे आपको डेली वीडियो मैं दिया करूंगा इवनिंग टाइमिंग में, ठीक है। देखिए जो सुबह मॉर्निंग में चल रहा है 1000 क्वेश्चन सीरीज, उसकी अगर आपको PDF क्वेश्चन चाहिए तो उसकी PDF की प्राइस है 250 रुपये, आप ज्वाइन कर सकते हो, इस PDF को ले सकते हो, इसमें NTPC UPSI BSI सारे के क्वेश्चन कवर हैं, मेरे द्वारा सेलेक्टेड क्वेश्चन है। अगर आप इसकी वीडियो सॉल्यूशन आपको डे बाय डे आपको मेरे चैनल पे आ रही है तो अगर PDF क्वेश्चन चाहिए तो आप कर सकते हो। ऑलरेडी मेरे 2 पेड कोर्स हैं, अगर आप ऑलरेडी ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर सकते हो, रीजनिंग कोर्स जिस कोर्स की फी है 300 रुपीज़, आप इसको लाइफ टाइम तक यूज कर सकते हो, ये CGL CPO CHSL MTS दो सभी एग्जाम को कवरअप कर देगा, 100+ वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, वर्बल और नॉन वर्बल सेक्शन मिलेंगे, PDF नोट्स भी मिलेगा और PDF प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेगा, और कोर्स क्या है बाइलिंगुअल है, यानी हिंदी एज वेल एज इंग्लिश बोथ लैंग्वेज दोनों लैंग्वेज में है, डैट्स वाई डैट कोर्स इज बाइलिंगुअल। एक स्पेशल साइंस कोर्स है जिस कोर्स की कॉस्ट है 499, इसमें आपको 100+ वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के वीडियो मिलेंगे, एज वेल एज आपको क्या है PDF कुछ कोर्स टॉपिक्स के PDF नोट्स जिसके
प्रोवाइड किए जा सकते हैं वो मिलेंगे। और ये भी कोर्स क्या है, बाइलिंगुअल है। स्पेशली ये कोर्स सीजीएल सीजीपीओ सीएचएसएल एमटीएस को तो कवरअप करेगा, लेकिन जो लोग एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसके जीके जीएस में आपके 40 क्वेश्चन आते हैं, उस 40 क्वेश्चन में से 10 से 12 क्वेश्चन साइंस के आते हैं, जो आप यहां से कवरअप कर सकते हो। और ये दोनों कोर्स की वैलिडिटी क्या है, लाइफ टाइम है। तो यानी आप कितने भी टाइम, पूरी लाइफ टाइम तक यूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अब बात आती है कोर्स कैसे पाई कर सकते हो कोई भी मेरा, तो आपके लिए यहाँ पे पेटीएम ऐप्स गिवन नंबर दिया गया है, ये मेरा पेटीएम ऐप्स नंबर है। गूगल तेज ऐप्स के थ्रू पे कर सकते हो, ये मेरा गूगल तेज ऐप्स नंबर है। फोनपे ऐप्स के थ्रू भी पे कर सकते हो, ये मेरा फोनपे ऐप्स नंबर गिवन है। अगर आप अकाउंट नंबर के थ्रू पे करना चाहते हो तो यहाँ पे मेरा अकाउंट नंबर भी गिवन है। आफ्टर डेट पे कर, तो आपने पे तो कर दिया, पे के बाद आपको कोर्स कैसे मिलेगा, तो आपको पे करने के बाद इस WhatsApp नंबर पे अपने पे स्लिप की स्क्रीनशॉट या पिक सेंड करनी होगी। उसके बाद मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, PDF भी, जो लोग को 1000 क्वेश्चन की PDF चाहिए उनके PDF प्रोवाइड कर दूंगा। इस तरह से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो और आप एक्सेस करके अपनी स्टडी को बेटर बना सकते हो, ठीक है। वीडियो, अपकमिंग वीडियो चाहिए कि और सीरीज चलती रहे, तो आप लाइक कर सकते हो वीडियो को, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर सकते हो। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट दो पर्सन को भी ऐड करता है मेरे चैनल पे, तो मेरे को भी पॉजिटिव वाइब्स मिलते हैं, ताकि मैं और आपको बेटर प्रोवाइड कर सकूं। और जो लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं है, तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।